वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। नया दिन नया व्लॉग। तो आज जो है रमज़ान का तीसरा जुम्मा है, तो हम दोनों की तरफ से आप सबको तीसरा जुम्मा रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो। और पहला अशर रहमत का वो तो हमसे जुदा हो गया, और दूसरा अशर जो है मगफिरत का वो भी आज हमसे जुदा होने जा रहा है। फिर तीसरा अशर शुरू होगा जहन्नुम से आज़ादी का। ये ऐसे तो हमने गफलत में गुजार दिए हैं, तो तीसरा जो अशर शुरू होगा इसमें हमें खूब इबादत करनी है। और दिन है तो लोग जो है एतिकाफ में बैठेंगे, इतना मज़ा आता है एतिकाफ में बैठने में। वैसे कभी मैं बैठी नहीं हूँ, तो आप बैठी हो? मैं आपसे छोटी हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं बैठी, मेरी कज़न है, मेरे चाचा की बेटी जो है। हाँ, मज़ा तो आता है, देखने में मज़ा आता है। लोग उन्हें उठाने भी जाते हैं, बिठाने भी, और हार भी पहनाते हैं, और उन्हें गिफ्ट भी मिलती है, ईद भी मिलती है। तो अब पहला अशर जो रहमत का वो तो हमसे जुदा हो गया। अब आज लोग इतिकाफ में बैठेंगे, तो लैलतुल कद्र की रातें आएंगी। इन 10 दिनों में 5 रातें होंगी, जिसके नाम अभी आपको जो बताएंगे थोड़ी देर में। तो लैलतुल कद्र किस दिन थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी रातों के नाम जो है वो जो बताएंगे। बताओ, 21, 23, 25, 27 और 29। 21, 23, 25, 27, 29 5 हो गई ना। तो ये 5 रातें जिसमें हमें खूब इबादत करनी, और इन रातों को पाना है शबे कदर की। तो आप सब मुसलमानों को तीसरा जुम्मा मुबारक है रमजान का। हाँ, बताओ हमारे जो दो अशरे गए हैं वो कौन कौन से थे? अशरे रहमत, अशरे मगफिरत, और तीसरा अशरे नहीं आता, मैं बताऊँ, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा। तीनों में बहुत अहम होते हैं, इसमें हमें खूब इबादत करनी चाहिए, और इनकी दुआ तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले की क्या थी? रब्बिग़फ़िर वरहम, आती है ना आपको? तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अगर यही छोटी सी वीडियो बनाई हमने जुम्मे की मुबारकबाद आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में लाजम बताइएगा। तो अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बचपन की जिंदगी देखना मत भूलिएगा।